आने जा रहा है। बाय बाय कर दो नानी नानू को। बाय बाय। दादी मासी बुआ से मिलके आएंगे। दादी मासी मिलोगे, दादी माँ के पास जाओगे। बाय बाय कर दो, पर नानी को बाय बाय कर दो। आनी बाय बाय कर दो। चैनल आनी की दुनिया, मैं कनिका और आनी मेरी प्यारी सी बिटिया। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं कार से। क्यों कर रहे हैं कार से? क्योंकि आनी जा रही है अपने घर। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल। तो ये देखिए, आनी के साथ आनी की पूरी दुनिया जाती है। तो अभी बस हम रास्ते में हैं, निकले हैं थोड़ी देर पहले। आनी के पापा जाके ऑफिस भी जाएंगे, तो अभी बस पहुंचते हैं। तब तक आप लोग देखिए कि कल की शादी में क्या क्या धमाल हुआ, क्या क्या मस्ती हुई। तो जाइए देख के आइए। उठा लो दीपक को उठा लो भाई। गाइज, जस्ट अभी बज रहे हैं 12:30। जस्ट अभी हम पहुंचे हैं। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बहुत जाम था। आनी के पापा अब जा रहे हैं ऑफिस और हम देखते हैं थोड़ा बहुत अभी चेंज वेंज करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत थक गए। चाहे डिस्टेंस ये सिर्फ 1 आवर या फिर 1 आवर 15 मिनट्स का है, पर ट्रैफिक इतना था, इतना टाइम लग गया और गर्मी हो रही है, वुलन पहना हुआ है, कार में इतना इरिटेटिंग लग रहा था। अभी जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। जो भी करते हैं आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, घर आने के बाद इतनी बुरी वाली नींद आई कि आनी और आनी की मम्मी दोनों सो गए। अभी जस्ट उठे हैं, अभी बज रहे हैं 4:30। आज लंच भी नहीं किया क्योंकि इतनी बुरी नींद आ रही थी। अभी देखते हैं, ऊपर जाती हूँ, क्या खाते हैं, कुछ देखते हैं ऑप्शन, और फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। आनी और आनी की मम्मा दोनों ने ही पेट पूजा कर ली है। मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि अगर इस टाइम कुछ खाऊंगी हैवी तो रात में डिनर नहीं कर पाऊंगी। तो हल्का फुल्का स्नैक्स खा के ही मैंने कर लिया है और आनी को भी दूध पिला दिया है। आनी, आपने दूध पिया ना? इधर बताओ सबको, दूध पिया? दूध पिया? दूध पिया मेरे गुड़ों ने? दूध पिया? चलो। तो गाइस, अभी इसको डक्की दिला रही हूँ, दिलाती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, ट्रैवलिंग की जो सबसे बेकार चीज़ मुझे लगती है वो है पैकिंग और अनपैकिंग। तो मेरा तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है आने के होने के बाद से, क्योंकि मैं कुछ टाइम इधर रहती हूँ, फिर कुछ टाइम मायके रहती हूँ, तो मेरी पैकिंग अनपैकिंग तो चल ही रही है। अभी भी इतना सारा सामान है, सब कुछ सेट करना, ओ माय गॉड। अभी देख रही हूँ कैसे कैसे करूँगी। मेरा इतना नहीं होता, पर आनी का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती है साथ में, इधर भी उधर भी, ऐसा लगता है हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ साथ होनी चाहिए।
तो बस अभी वो अनपैकिंग करनी है। तो आपको बताने के लिए कि आज मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल मैं ज़रूर करूँगी, आज थोड़ा सा देखते हैं कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा अनपैकिंग स्टार्ट करती हूँ एटलीस्ट। तो अभी वो मैं करती हूँ और फिर आप लोग को मिलती हूँ थोड़ी देर में जब आनी के पापा आते हैं। ये नानी के पास था, ये कहाँ था इतने दिनों जी, इतने दिनों जी कहाँ था, ये कहाँ था मेरे लड्डू, लड्डू कहाँ पे था, कहाँ था ये, कहाँ था तब खुआ गई पापा को, पापा भी रखवा गई, पापा भी रखवा गई, पापा भी रखवा गई। जिम भी आजकल निकालना शुरू कर दिया इसने। अंदर करो, अंदर करो, टंग अंदर करो, टंग अंदर करो, टंग अंदर कर लो, बाल भी निकाली, मुझे चिढ़ा रही हो, आनी मुझे चिढ़ा रही है, आनी मुझे चिढ़ा रही है, ओ सो आनी के पापा आ गए हैं। हेलो, कैसे हो, कैसा रहा दिन? चलो पहले फ्रेशन अप हो, आनी से बाद में मिलना, पहले फ्रेशन अप हो। और मेरे लिए चिज्जी लाए हो? आनी के पापा से अपने लिए चिज्जी मंगवाती है। तो मैंने अभी समोसे मंगवाए हैं, थोड़ा सा दिन में कुछ खाया नहीं था खास, तो मैंने कहा चलो अभी समोसे खा लेते हैं हल्के फुल्के। अभी यहाँ आने के बाद मैं सबसे पहले जो खा रही हूँ वो है मेरा फेवरेट समोसा, तो अभी उसको खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। छोना तो पिंक कम्बल ओढ़ के आया है, पिंकी शर्ट पहन के आया है, चलो जैकेट, चलो मम्मी को जैकेट, मम्मी जैकेट, जैकेट, जैकेट। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं मंडे मार्केट में, ये मार्केट हमारे घर के पास ही लगती है। जस्ट बैक फ्रॉम मंडे मार्केट, हमारे यहाँ पे मंडे मार्केट लगती है जहाँ पे वेजिटेबल्स और काफ़ी अलग अलग तरीकों की चीज़ें मिलती हैं। तो अभी जस्ट हम वेजिटेबल्स लेके आए हैं, वहाँ से सब्जियाँ लेके आए हैं। और मम्मी पापा बनने के बाद एक चीज़ ज़रूर होती है, कहीं जाओ बैक ऑफ द माइंड आपको अपना बेबी ही दिखाई देता है। तो हमें वहाँ पे प्यारी प्यारी से कैप्स और बूटीज और ग्लव्स दिखे, तो हमें सबसे पहले आनी का ही ध्यान आया और हमने आनी के लिए लिए वो। तो जब उसको पहनाएंगे तो ज़रूर आप लोग को दिखाएंगे। बहुत मज़ा आता है आनी के लिए शॉपिंग करते हुए और अच्छा भी बहुत लगता है। तो अब इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमॉरो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।